क्षेत्र के किसान जी तोड़ मेहनत कर अपनी फसल उगाते हैं, खाद पानी दवाई का खर्च कर दो महीने में पानी खत्म हो जाता है, लेकिन चार माह के पहले कोई भी फसल तैयार नहीं होती है। लेकिन पानी की कमी के कारण फसल आधी ही रह जाती है, इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री नारायण यादव ने बताया कि बगैर संघर्ष कोई भी सफलता नहीं मिलती। अगर क्षेत्र में मनरेगा को लाना है तो संघर्ष लंबा चलाना पड़ेगा। एक दिन महिलाएं भी धरने के समर्थन में कलश यात्रा निकालेगी। कन्नौज तहसील के 52 गांव एवं खातेगांव तहसील के 32 गांव सिंचाई योजना में छुटे हुए हैं, इन किसानों को पानी दिया जाए। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ आज किस विषय को लेकर धरने पर बैठा है और किस विधानसभा का मामला आई है? भारतीय किसान संघ देवास जिले में कन्नौज तहसील में किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये विधानसभा कन्नौज का मामला है, फतेहगांव का मामला है। यहाँ पर कन्नौज जो तहसील है उसके जो 52 गांव उसमें सिंचाई का पानी किसानों को नहीं मिल रहा है, परंतु देवा यहाँ पर 20 किलोमीटर माँ नर्मदा बह रही है, उस नर्मदा का पानी दूसरे जिले राजगढ़ जिले में शाजापुर जिले में जा रहा है, लेकिन कन्नौज तहसील के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों ने मजबूर होकर आज कन्नौज यहाँ पर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये धरना कब तक चलता रहेगा? ऐसा कुछ जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती, जब तक हम यह धरना सतत चलेगा, चाहे 15 दिन चले, एक महीना चले, लेकिन यहाँ पर से किसान हटने वाला नहीं है। किसान संघ के अलावा अन्य संगठन का भी आपको समर्थन प्राप्त है? किसान संघ के अलावा जितने भी किसान बंधु हमारे साथ में वो यहाँ पर सब आ सकते हैं। किसानों के हित का मामला है, कोई भी यहाँ पर ये नहीं है कि हम भारतीय किसान संघ अकेला यह कार्य करें, लेकिन सभी किसानों को यहाँ आना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। हम भी जानते हैं, हम भी लोगों को मारना जानते हैं, लेकिन हम शांति से आपको अपनी बात सुना रहे हैं। आज शांति से हमारी बात सुनिए। जिस प्रकार अन्य संगठन आंदोलन करते हैं, ऐसा हमको बात भी नहीं किया जाए, नहीं तो मैंने एक ही बात कही है कि बिना नाम माना तो जल्दी जाओ। और गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब भय बिना हो ना, ऐसा नहीं हो कि हमको भी धनुष उठाना पड़े। और इस समुद्र रूपी जो शासन प्रशासन बैठी है, जो सरकार बैठी है, इसको हमको सुखाना पड़े। इसलिए मैं इतना कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी बात को यहाँ पे सुनता हो, जो सरकार का प्रतिनिधि हो, किसी भी बात से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरी बात को सुना जाए और माना जाए, अन्यथा हमको ऐसा नहीं रूप धारण करना पड़े जिससे आने वाले समय में संकट का सामना यहाँ के प्रतिनिधियों को करना पड़े। इतनी बात मैं अपनी कहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आंदोलन यहाँ से नहीं है। अगर आप लोग यहाँ इस आंदोलन को 10-12 दिन चलाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मालवा प्रांति के 112 तहसीलों में ऐसा का ऐसा धरना होगा, वहां पर भी ज्ञापन दिया जाएगा आपके अधिकारों के लिए, आपके कन्नौज और खातेगांव तहसील के लिए। आपके यहाँ जल्दी मां नर्मदा आए, हम सबको ताकत है। ऐसी बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जब लड़ाई चालू की गई तो इनको हमारे नारायण जी भाई साहब और इन्होंने पूरे भोपाल तक और झाझा से पानी किस प्रकार से हमारे देवास जिले को मिल सके। जब भाई साहब गोवर्धन जी भाई साहब जब जिले के अध्यक्ष थे और मैं जिले का मंत्री, तो देवास भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री जी के निवास पर एक कार्यक्रम था जो जिले से अधिकारी को बुलाया था सिर्फ मात्र, तो उसमें हम दोनों को जाने का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।